हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में जो हम करने जा रहे हैं एनपीओ को आगे कंटिन्यू करते हैं। आपको याद हो इसकी दो वीडियो डल चुकी हैं, इंट्रोडक्शन क्लास भी हो गई थी जिसके अंदर आपको इंट्रोडक्शन दे दी थी कि एनपीओ के सोर्स ऑफ इनकम क्या है और उसके एक्सपेंसेस क्या हैं। एनपीओ के जो सोर्स ऑफ इनकम है उसी के अंदर एक टर्म आएगी एंडाउनमेंट फंड। आज की क्लास में हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं, व्हाट इज एंडाउनमेंट फंड, कि एंडाउनमेंट फंड क्या है। पहले तो ये समझ लो, इट इज इनकम फॉर द चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि एनपीओ के लिए क्या है, ये एक इनकम का सोर्स ही है। लेकिन अब इनकम का सोर्स तो है, इसका नाम एंडाउनमेंट फंड क्यों है, डोनेशन क्यों नहीं है? तो जरा पहले एंडाउनमेंट फंड की डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। देखो इसका मीनिंग देखते हैं, आज हम इसका मीनिंग देखते हैं, इसकी नेचर क्या है, यानी कि रेवेन्यू रिसीप्ट का या कैपिटल रिसीप्ट का, फिर इसका ट्रीटमेंट की कैसे इसको प्लेस करेंगे। तो सबसे पहले मीनिंग देखते हैं, कहता है इट इज अ फंड, यानी कि एक ऐसा फंड है अराइजिंग फ्रॉम गिफ्ट। ये कहां से आया, आपको गिफ्ट के थ्रू मिला है, द इनकम ऑफ विच इज डिवोटेड टू अ स्पेसिफाइड पर्पज, और इससे रिलेटेड जो इनकम आएगी वो आपकी स्पेसिफाइड पर्पज पर ही यूज होगी और कहीं नहीं। अब इसको सिंपल आप समझो एंडाउनमेंट फंड क्या है, तो डेफिनेशन आपने देख ली। सिंपली वे में मैं आपको समझाता हूं कि डोनर ने जो है ऑर्गेनाइजेशन को एक फंड प्रोवाइड करा, लेकिन उसने एक कंडीशन लगाई कि आप इस फंड को यूज नहीं करोगे, इस फंड को आप इन्वेस्ट करोगे, और इन्वेस्ट करने से जो अर्निंग आएगी आप उस अर्निंग से अपने एक्सपेंस को कवर करोगे। मीनिंग समझ आया, यानी कि फंड उतना ही रहेगा, फंड को हम खर्च नहीं करेंगे, फंड को हम क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट करने के दो तीन वे हैं, जैसे बैंक में उस फंड को आपने डिपॉजिट कर दिया, फंड को यूज नहीं किया, फंड को सेफ रखा, बैंक में डिपॉजिट कर दिया, या पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट कर लिया। नाउ फर्म इज गेटिंग इंटरेस्ट फ्रॉम द बैंक, बैंक से क्या कर रही है अब उस फंड के ऊपर इंटरेस्ट, और उस इंटरेस्ट से अब जो है हम अपने एक्सपेंसिज को पे ऑफ करेंगे जो उसने स्पेसिफाइड किया था डोनर ने। यानी कि डोनर ने कहा था, जैसे लेट करो कि डॉक्टर की सैलरी देनी है, जो डॉक्टर हायर करते हैं वो सैलरी नहीं पे कर रहा डोनर, डोनर डायरेक्ट एक फंड देता है, कहता है इस फंड को डिपॉजिट कर लो अपने पास, इसको यूज मत करना सैलरी में, इससे जो आपको अर्निंग आएगी वो अर्निंग किस तरीके से आएगी, हमने इस फंड को बैंक में डिपॉजिट करा और बैंक से हमें क्या मिलने लगा इस फंड के ऊपर, इंटरेस्ट, और उस इंटरेस्ट से हम क्या करने लग गए, सैलरी पे करने लग गए। यानी कि जो स्पेसिफाइड पर्पज उन्होंने बताया था, जैसे हमारी चैरिटेबल डिस्पेंसरी है तो ये एनपीओ का ही एग्जांपल है, वहाँ हमने डॉक्टर भी हायर कर रखे होंगे सैलरी बेस्ड, तो उनकी सैलरी हम इस इनकम से पे ऑफ करेंगे। तो ऐसा फंड जिसके ऊपर इनकम आए उस इनकम को यूज किया जाएगा, फंड को यूज नहीं करेंगे, दैट इज कॉल्ड एंडाउनमेंट फंड। अब आप ये भी पूछ सकते हो कि ये डोनेशन जैसा ही तो लग रहा है, बिल्कुल है। देखो डोनेशन दो तरीके की थी, एक डोनेशन थी जर्नल डोनेशन, जैसे मर्जी यूज करो, डोनर ने डोनेट कर दिया, उसने कुछ नहीं बताया, जो मर्जी करो। लेकिन एक और थी स्पेसिफाइड डोनेशन, वहां स्पेसिफाइड कर दिया था डोनर ने कि आप इसको बिल्डिंग के लिए बनाओ या टूर्नामेंट एक्सपेंस में कवर करो, तो वो भी स्पेसिफाइड थी। लेकिन यहां इसने जो फंड दिया, कह रहा है फंड यूज नहीं होगा, वहां डोनेशन हमने यूज कर ली थी दोनों काम में, उसने कहा इस फंड से जो इनकम अराइज होगी उस इनकम को यूज करोगे, फंड को सेफ रखोगे, दैट इज कॉल्ड एंडाउनमेंट फंड। मतलब ऐसा इनकम का सोर्स जो डोनर हमें दे रहा है, लेकिन कह रहा है इस फंड को यूज नहीं करोगे, इस फंड से जो इनकम आपके पास आएगी उस इनकम को अपने एक्सपेंस के लिए यूज करोगे, दैट इज कॉल्ड एंडाउनमेंट फंड। ये चीज समझ आ गई, अब शायद आपको क्लियर हो गया होगा, डोनेशन अलग है, डोनेशन जैसे मर्जी यूज करो या जो उसने बताई थी उस तरीके से यूज करो, लेकिन ये जो डोनेट कर रहा है गिफ्ट के रूप में, ये भी एक तरीके की कहने को डोनेशन है, लेकिन कहता है इस पैसे को मत यूज करना, इसको इन्वेस्ट करो कहीं पर, लाइक बैंक में डिपॉजिट कर लो इसको, और वहां से जो इंटरेस्ट की इनकम आए उस इंटरेस्ट की इनकम से यूज करो, फंड सेफ रहना चाहिए। ऐसा इनकम यानी कि ऐसा फंड जो यूज तो होगा नहीं लेकिन इन्वेस्ट होगा, और इन्वेस्टमेंट से जो अर्निंग आएगी उस अर्निंग से हम अपने एक्सपेंसेस को कवर करेंगे, ऐसे फंड को क्या बोलते हैं, एंडाउनमेंट फंड। तो मेरे ख्याल से अब आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया है, फिर भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछें। अब जरा आगे चलते हैं, इसकी नेचर क्या होती है। देखो आपको बताया दो तरीके की इनकम मिलती हैं, एक है रेवेन्यू रिसिप्ट और एक है कैपिटल रिसिप्ट।
जो रेगुलर बेसिस पर मिलती है, ईयर में जरूर मिले, या मंथली मिलती हो, क्वार्टरली मिलती हो, या ईयर में वन टाइम जरूर मिले, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू नेचर। लेकिन जो कभी कभार मिलती है, दो तीन साल चार साल में, या एक दो साल ना भी मिले, ऐसी इनकम को क्या बोलते हैं? कैपिटल रिसीप्ट। तो इसकी नेचर क्या होगी? कैपिटल रिसीप्ट। ये चीज समझ आ गई? अब जरा इसका ट्रीटमेंट देखते हैं जी, कैपिटल रिसीप्ट्स। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, क्योंकि ये इनकम तो है नहीं, आपको बताया, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर इसमें एनपीओ में क्या बनता है? जैसे पीएनएल बनता था, यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनता है। तो इनकम तो है नहीं, ये बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में शो हो जाएगा। तो आप बैलेंस शीट बनाओगे, मैं यहीं छोटा सा आपको करके दिखाता हूँ, उसमें बता देना, ये बैलेंस शीट में शो कर दो जी, एंडाउनमेंट फंड, ये रहा एंडाउनमेंट फंड, और इससे रिलेटेड जो इनकम आएगी वो इनकम आप जो है क्या करोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो कर दोगे। लेट करो आपने इसको इन्वेस्ट कर दिया कहीं, तो इधर आ जाएगा इन्वेस्टमेंट, फिर अर्निंग आएगी, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाएगी। तो आपको मेरे ख्याल से आज इसका मीनिंग समझ आ गया, कि ये जो है दोबारा से एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये गिफ्ट है डोनर के थ्रू, लेकिन क्या है, डोनर ने एक कंडीशन हमारे साथ लगा दी कि ये पैसा यूज नहीं होगा एक्सपेंस के लिए, इस पैसे को आपको इस फंड को इन्वेस्ट करना होगा, इसको सेफ रखना है, वहाँ से इसके ऊपर जो अर्निंग आएगी वो बेसिकली अर्निंग क्या बनती है, इंटरेस्ट की बनती है, क्योंकि हम पैसे को क्या करेंगे, बैंक में फिक्स डिपॉजिट करा देंगे, वहाँ से अर्निंग आएगी, उस अर्निंग से एक्सपेंसेस करेंगे। तो ऐसे फंड को बोलते हैं एंडाउनमेंट फंड। इस फंड की नेचर क्या है? कैपिटल रिसीप्ट है। और नंबर दो, इसका प्लेसमेंट ट्रीटमेंट क्या करते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल इनकम नहीं है, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ना आके बैलेंस शीट में आ जाएगी, लायबिलिटी साइड। तो मे बी क्लियर हो गया, कोई भी आपको डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन में पूछें। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।